नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि उस परिस्थिति में क्या हो सकता है जब आपके पुराने नक्शे में जमीन का रकबा अधिक है और जब उसका नया नक्शा तैयार होता है तो उसमें रकबा को घटा दिया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी इस तरह की घटनाएं भी होती हैं कि उसका प्लॉट नंबर भी बदल जाता है, खाता नंबर भी बदल जाता है। और जो आपके प्लॉट में यदि 10 डिसमिल जमीन है उसका नए नक्शे में 5 डिसमिल कर दिया जाता है, और वो 5 डिसमिल जमीन जो पुराना नक्शा में था वह फिर किसी दूसरे प्लॉट नंबर में ऐड कर दिया जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं इससे कभी कभी पक्षकारों के बीच में खून खराबा की घटना हो जाती है, मारपीट की घटना हो जाती है। तो ये सब जो होता है दरअसल में सरकार द्वारा समय समय पर भू सर्वेक्षण कराया जाता है कुछ वर्षों के अंतराल में, और उस भू सर्वेक्षण में सर्वे अधिकारी एवं अमीन की गड़बड़ी के कारण इस तरह की समस्या पैदा होती है। उनके द्वारा रॉन्ग एंट्री कर दिया जाता है। अब इसके पीछे हो सकता है कि कुछ समाज के बैड एलिमेंट के माध्यम से इस तरह की घटना होती हो या फिर भूल बस ऐसा होता है, या कभी कभी प्रिंट के मिस्टेक से भी इस तरह की घटनाएं होती है। जो भी हो, रॉन्ग एंट्री हो जाने से एक समस्या पैदा हो जाता है, और खास करके अभी अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है कि पुराने नक्शे में जमीन अधिक था और नए नक्शे में उसका रकबा घट गया है, तो यह समस्या आपके साथ उत्पन्न हो गई है। फिर खास करके बिहार में नया भू सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, तो अब वह जो आधार बनाएगा, जो पुराना पेपर है, अभी जैसे कि जो सीएस खतियान था उससे आरएस में गड़बड़ी पैदा हो गई है, और फिर जो अभी सर्वे हो रहा है तो ये आरएस में जो आपका रकबा घटा दिया गया है यही फिर नया सर्वे में भी हो जाएगा, खतियान में फिर चढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए यदि आपके नक्शा में जमीन कम हो गया है तो इससे बचने के लिए आपको इसके सुधार के लिए आवश्यकता है कि आप पुराना नक्शा और नए नक्शा को एक अच्छे अमीन से कंपेयर करा करके उसका नजरी नक्शा तैयार करें, और पुराना नक्शा एवं नया नक्शा उपलब्ध करा लें। फिर इस तरह का दोनों ध्यान भी होना चाहिए, और ये इन सारे कागजात को उपलब्ध कराकर जुटाकर आप कंपिटेंट कोर्ट में इस घटे हुए रकबे को चैलेंज कर सकते हैं। सर्वे कार्य के लिए अति आवश्यक है। यदि आप चुप बैठे रहते हैं, जो आपका रकबा घटाया गया है, यद्यपि आप पजेशन में भी हैं तो आप भविष्य में डिस्पजेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कानूनी जानकारी बस इतनी ही। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह की कानूनी वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।